बॉलीवुड की जानी मानी गायिका लता मंगेशकर का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस ली। लता मंगेशकर पिछले 28 दिनों से मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थी। इस दौरान उन्हें कई बार जनरल वार्ड और ICU में रखा गया। हाल में उन्हें ICU से शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन आज सुबह से ही उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया। लता मंगेशकर को कोरोना से संक्रमित और निमोनिया होने पर 8 जनवरी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लता मंगेशकर का इलाज कर रहे डॉक्टर प्रतीत समदानी और उनकी टीम लगातार स्वर कोकिला के हेल्थ पर नजरें बनाए हुए थे और उनके ट्रीटमेंट में लगे हुए थे। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि देश की शान और संगीत जगत की शिरमोर स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर जी का निधन बहुत ही दुखद है। पुण्यात्मा को मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि। उनका जाना देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। वे सभी संगीत साधकों के लिए सदैव प्रेरणा थी। लता मंगेशकर का इलाज कर रहे डॉक्टर प्रतीत समदानी ने सिंगर का लेटेस्ट हेल्थ अपडेट देते हुए उनकी सेहत के बारे में जानकारी दी और बताया कि उनकी तबीयत में फिलहाल कोई सुधार नहीं था। हमारी टीम की ओर से पूरी कोशिश की जा रही थी और वह अभी भी ICU में वेंटिलेटर पर डॉक्टरों की निगरानी में थी। इससे पहले शनिवार शाम को उन्होंने बताया था कि उन्हें अग्रेसिव थेरेपी दी जा रही है। भारतीय सिनेमा के महान गायकों में से एक लता मंगेशकर ने साल 1942 में 13 साल की उम्र में अपना करियर शुरू किया था और विभिन्न भारतीय भाषाओं में 30,000 से अधिक गाने गाए हैं। अपने 7 दशक से अधिक के करियर में उन्होंने अजीब दास्तान है ये, प्यार किया तो डरना क्या, नीला आसमां सो गया और तेरे लिए जैसे कई यादगार ट्रैक्स पर अपनी आवाज दी। न्यूज डेस्क, Time24 न्यूज। गांव से शहर तक, राजनीति से सियासत तक, सिनेमा से खेल जगत तक, जनता झेल रही है महंगाई की मार। क्या पाक को मिलेगा जवाब? जनता खिलाएगी कमल या उठाएगी हाथ? किसके सर पर सजेगा सियासी ताज? खबर हमारी दिखाएगी आपको हकीकत। Time24 न्यूज, जज्बा सच दिखाने का।